गुड मॉर्निंग एवरीबडी वेलकम टू द ईवीएस क्लास सो इन टूडेज़ ईवीएस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर न्यू चैप्टर विच इज़ माई नेबरहुड चैप्टर नंबर फोर हमने अभी तक चैप्टर नंबर थ्री तक कंप्लीट किया है आई होप आप सब ने चैप्टर नंबर थ्री तक अच्छे से रीड किया है बुक से और कंप्लीट किया अपना बुक वर्क ऑल्सो यू आर रिवाइजिंग द प्रीवियस चैप्टर्स एंड uh, जैसे जैसे हम न्यू चैप्टर कर रहे हैं तो आप अपने प्रीवियस चैप्टर्स को लर्न करते रहो ताकि आपको वो याद रहे। सो नाओ वी विल स्टार्ट दिस चैप्टर सो आवर चैप्टर नेम इज़ माई नेबरहुड नेबरहुड का मतलब क्या होता है हमारा आस पड़ोस कि हमारे चारों तरफ क्या है सो फर्स्ट वी विल डू एन एक्टिविटी सो इन दिस एक्टिविटी हमें क्या बोला गया है राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस अराउंड योर हाउस आपको क्या करना है आपके घर के आसपास क्या है ये वाली सारी प्लेसेस होती हैं तो आपको इन सब प्लेसेस के नेम लिखने हैं जैसे यहाँ मार्केट ये जो मार्केट है इसके लिए नेम लिखा हुआ है ना मार्केट वैसे इन सब प्लेसेस के भी आपको नेम लिखने हैं जो आपके घर के अराउंड मतलब चारों तरफ होती हैं वन इज़ डन फॉर यू और एक आपको करके दिखाई हुई है ना और आपको ऊपर हेल्प बॉक्स भी दिया गया है सो सो इन दिस पिक्चर आपको क्या दिख रहा है यहाँ पेशेंट्स हैं नर्स हैं तो ये क्या आई किसकी पिक्चर है हॉस्पिटल तो यहाँ क्या आएगा हॉस्पिटल इन दिस पिक्चर आप देख रहे हो ना कितनी सारी बुक्स पड़ी हैं सो so, ये किसकी पिक्चर है लाइब्रेरी एंड पिक्चर नंबर फोर है जो यहाँ आप देख रहे हो ना लेटर बॉक्स है लेटर है तो लेटर बॉक्स और लेटर कहाँ होता है पोस्ट ऑफिस तो यहाँ क्या आएगा पोस्ट ऑफिस एंड इन दिस पिक्चर आप देख रहे हो कितने सारे बच्चे हैं और एक टीचर है उनको बोर्ड पे पढ़ा रही है ना तो ये किसकी पिक्चर हुई स्कूल तो यहाँ क्या आएगा स्कूल एंड लास्ट पिक्चर यहाँ देखो एक सुंदर सा गार्डन है उसमें बच्चे क्या है फुटबॉल खेल रहे हैं ना तो ये किसकी पिक्चर हुई पार्क यहाँ क्या आएगा पार्क सो so, ये आपको एक्टिविटी कंप्लीट करनी है आपको ऊपर हेल्प बॉक्स दिया गया है तो आप स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करें यहाँ से आप स्पेलिंग चेक कर सकते हो सो कंप्लीट दिस एक्टिविटी नाउ वी विल रीड द चैप्टर so the first is the area around our house is our neighborhood जो area हमारे घर के चारों तरफ होता है the area around around होता है हमारे आस पास हमारे घर के आस पास का जो area है उसको हम क्या बोलते हैं neighborhood पीपल इन द नेबरुड आर अवर नेबर्स और जो नेबरहुड में मतलब हमारे आस पड़ोस में जो लोग रहते हैं पीपल होता है लोग उनको क्या बोलते हैं नेबर्स जो हमारे पड़ोसी होते हैं ना जिनका घर हमारे घर के पास होता है वो उनको हम क्या बोलते हैं नेबर्स द नेबर्स मेक अवर लाइफ सेफ एंड कंफर्टेबल जो नेबर्स होते हैं जो हमारे पड़ोसी होते हैं वो हमारी लाइफ को सेफ़ मतलब सुरक्षित और कम्फर्टेबल मतलब आरामदायक बनाते हैं क्योंकि आप किसी भी जगह पे अकेले नहीं रह सकते हो ना सपोज़ आप कहीं भी रह रहे हो सिर्फ आप ही का घर है आप कितना अनसेफ़ फील फील करोगे आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है ना आपको कोई प्रॉब्लम है आपकी फ़ैमिली में कोई प्रॉब्लम है तो आपको कौन हेल्प करेगा आपके नेबर्स ही हेल्प कर दिया ना तो वो हमेशा हमें सेफ़ मतलब सुरक्षित कम्फर्ट कम्फर्टेबल मीन्स आरामदायक तो हमें हमेशा वो सेफ और कम्फर्टेबल फील करवाते हैं दे हेल्प ईच अदर इन द टाइम्स ऑफ नीड और नेबर्स ही हेल्प करते हैं ना आपको कुछ चाहिए आप अपने नेबर्स से ले सकते हो आपको एमरजेंसी सिचुएशन में कुछ भी चाहिए होता है या फिर जैसे आप देखते हो ना मदर्स को कुछ चाहिए होता है तो वो साथ वाले घर से क्या करती हैं ले आती हैं ना या फिर कोई प्रॉब्लम हो गई आपकी फ़ैमिली में तो आपके रिलेटिव्स आपके रिश्तेदार तो नहीं आपके काम आते कौन काम आता है नेबर्स ही जो हमारे जो हमारे ज़्यादा क्लोज़ होता है हमारे ज़्यादा पास होगा वही हमारी हेल्प कर सकता है ना सो so, क्या है टाइम्स ऑफ नीड ज़रूरत के समय में सिर्फ हमारे नेबर्स ही हमारी हेल्प करते हैं वी मस्ट कीप आवर नेबरहुड नीट एंड क्लीन हमें अपना नेबरहुड जो आस पड़ोस है उसको नीट साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन रखना चाहिए वी शुड बी फ्रेंडली विद आवर नेबर्स और हमारे जो नेबर्स होते हैं पड़ोसी हैं उनके साथ हमें कैसे बिहेव करना है फ्रेंडली फ्रेंड्स की तरह उनके साथ रूड बिहेवियर नहीं करना चाहिए वही हमारे काम आते हैं वही हमारी हेल्प करते हैं है ना आप उनके साथ शेयर कर सकते हो बहुत सारी चीज़ें सो उनके साथ हमें फ्रेंडली बिहेव करना चाहिए दोस्तों जैसा बिहेव करना चाहिए लेटर्स विजिट द प्लेस इन अवर नेबरहुड तो हम कुछ नेबरहुड प्लेसेस के बारे में अभी क्या करेंगे पढ़ेंगे फर्स्ट इज मार्केट आपके घर के पास मार्केट होती है ना तो हम सबसे पहले मार्केट के बारे में पढ़ेंगे एवरी नेबरहुड हैज़ अ मार्किट हर नेबरहुड में हर पड़ आस पड़ोस में हर एरिया में क्या होती है मार्किट होती है ना एक सम मार्किट्स आर स्मॉल एंड समे कुछ मार्किट्स क्या होती हैं स्मॉल मतलब छोटी होती हैं कुछ मार्किट्स क्या होती हैं बड़ी होती हैं वी बाय many things from द मार्केट बाय का मतलब होता है ख़रीदना हम मार्केट से बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं ना हमारा जो डेली का ग्रोसरी होती है हमारी खाने पीने का सामान होता है हमारी बुक्स होती है हमारे क्लोथ्स हैं तो वो हम कहाँ से खरीदते हैं वो हम मार्केट से ही खरीदते हैं दीज इंक्लूड राशन क्लोथ्स मेडिसिन फ्रूट्स वेजिटेबल्स बुक्स ट एंड मैनी मोर थिंग्स तो ये सब चीज़ें क्या है? हम मार्केट से खरीदते हैं देयर आर मनी शॉप्स इन द मार्किट और मार्केट में बहुत सारी शॉप्स होती हैं ना मैनी शॉप्स जैसे क्लोथ्स की शॉप होती है ग्रॉसरी की शॉप होती है फुटवेयर्स की शॉप होती है बुक्स की शॉप होती है मेडिसिन की शॉप होती, होती है बहुत सारी डिफरेंट काइंड की क्या होती हैं शॉप्स होती हैं सम नेबरहुड्स हैव मॉल्स Where one can buy many things under the one roof. मॉल्स होते हैं ना ये ज़्यादातर तो बिग सिटीज़ के अंदर होते हैं मॉल्स में क्या होता है सारी शॉप्स एक ही बिल्डिंग में होती हैं तो आपको क्या होता है इजी होता है ना आपको जब बहुत डिफरेंट वैरायटी ऑफ थिंग्स क्या करनी होती है बाय करनी होती हैं तो आप क्या है सिर्फ मॉल में जाते हो और वहाँ से सब सप, अपना सारा सामान ले आते हो ऐसा तो नहीं होता ना कि आपको किसी चीज़ के लिए कहीं और जाना पड़े क -क कपड़े खरीदने हैं तो कहीं और जाना पड़े तो मॉल क्या होता है अंडर द वन रूफ़ एक ही छत के नीचे हम सारा सामान क्या ख़रीद सकते हैं सो आई होप आपको क्लियर हो गया है कि नेबरहुड क्या होता है नेबर्स क्या होते हैं और आज हमने एक नेबरहुड प्लेस के बारे में भी पढ़ा विच इज़ मार्केट तो डू योर वर्क प्रॉपरली एंड रीड द चैप्टर अच्छे से चैप्टर को रीड करना है ताकि आपको सारे वर्ड्स का मीनिंग क्लियर हो जाए सो रीड दिस चैप्टर थैंक्स एंड अवर ग्रेट दे